आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर मध्य प्रदेश की रीवा से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र का है। यहां पर रहने वाले निजाम खान ने अपना नाम बदलकर शादीशुदा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद में महिला को भनक लगी कि युवक रिंकू केवट नहीं निजाम खान है। रीवा जिले के जने थाना क्षेत्र के निवासी महिला ने महिला थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए अपने बयान दर्ज कराए। उसने बताया कि कुछ माह पूर्व वह काम करने गुजरात गई थी। वहां पर उसे एक युवक मिला, उससे दोस्ती हुई। युवक ने महिला से अपना नाम छिपाया था। उसने अपना नाम रिंकू केवट बताया था, जबकि वह दूसरे धर्म से था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई और दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर शेयर किया। दोनों के बीच कई दिनों तक बातचीत होती रही। बाद में वह रीवा आ गई। शिकायत के अनुसार युवक ने महिला को बीते अप्रैल माह में रीवा के पाती गांव में स्थित एक सूने घर पर बुलाया। वहीं पर महिला को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला के मना करने पर युवक ने शादी का झांसा दिया और लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। कुछ दिन बीत जाने के बाद आरोपी के राज का पर्दाफाश हो गया। युवक की असली पहचान का खुलासा तब हुआ जब कुछ दिन पूर्व वह अपने परिजनों से मिलवाने महिला को लेकर अपने घर गया। इस दौरान पीड़ित महिला ने जब युवक के परिजनों की वेशभूषा देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। युवक ने महिला से खुद को उसके धर्म का होना बताया था, लेकिन घर पहुंचते ही महिला को सब कुछ साफ नजर आने लगा। किसी तरह महिला आरोपी के घर से निकली और घर पहुंचकर अपने परिजनों को जानकारी दी। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत के लिए कहा तो युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया और शून्य पर कायमी करते हुए महिला थाने की पुलिस ने पीड़िता को गुड़ थाने भेज दिया। वहीं थाने में शिकायत होने की जानकारी लगते ही आरोपी निजाम खान फरार हो गया, जिसकी तलाश में गुड़ पुलिस जुटी हुई है। इस मामले में एसपी विवेक सिंह ने कहा कि आरोपी फरार है, उसकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। ये एक शिकायत आई थी, यहीं पे एसपी ऑफिस में मिली थी, महिला आई थी और उसका कहना था कि वो जब गुजरात में काम करने गई थी तो वहाँ उसकी मित्रता एक व्यक्ति से हुई थी जिसने अपना नाम रिंकू केवट बताया था और फिर उसके बाद दोस्ती मित्रता के बाद उनके बीच में कुछ संबंध स्थापित हुए थे और बाद में महिला को पता चला कि इसका नाम रिंकू केवट नहीं निजाम खान है और इसने शादी की झांसा देके इसके साथ गलत काम किया है, जिसके आधार पे महिला की शिकायत पे इसमें हमने 376, 419 और अन्य धाराओं में इसमें मुकदमा इसमें कायम किया है और जो महिला थाने में कायमी जीरो पे करके इसमें गुड़ में असल कायमी की गई है। अभी आरोपी फरार है, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। अभी जो महिला ने हमको बताया था ये जब गुजरात में काम करने गए थे वहाँ पर इनके बीच में दोस्ती हुई थी और बाकी जो अन्य कुछ अगर आप आया था वेश में तो उसको उसमें शामिल किया जाएगा। सर महिला शादीशुदा थी? हाँ महिला शादीशुदा। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।